अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 4। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शो का नाम है स्टार एंड स्टाइल, सो वी हैव इनवाइटेड अ मेगा स्टार ऑफ पाकिस्तान जिनका ताल्लुक स्टाइल इंडस्ट्री से है। इससे पहले कि मैं शो शुरू करूं, आई वुड लाइक टू इनवाइट माय को होस्ट द ब्यूटीफुल शर्मीन अली। जी शर्मीन, आज के शो की एक्साइटमेंट का लेवल आप देख रहे हैं। आसिम, ऑनेस्टली यू कुडन्ट हैव सेड इट बेटर। जिस तरह से आपने कहा स्टार एंड स्टाइल हमारी जो आज के आने वाली गेस्ट हैं, आई थिंक इट वॉन्ट बी एन अंडरस्टेटमेंट टू से शी इज बीन अ कंप्लीट गेम चेंजर फॉर आवर इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स, डेफिनेटली शी इज एन आइकॉन, शी इज अ लेजेंड, और उन्होंने पाकिस्तान का जो एक मेकअप इंडस्ट्री है उसका फेस चेंज कर दिया। और जो उनके साथ हमारे गेस्ट हैं, ट्रूली टैलेंटेड, उन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। एब्सोल्युटली, एंड एज फार एज आई नो दे वर्किंग टुगेदर एट द मोमेंट, तो ये बहुत ही एक लीथल सा कॉम्बो बन चुका होगा। ऑफ कोर्स, उस मर्जर के बारे में हम बात करेंगे। मेरे ख्याल में अब आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहिए, सो लेट्स इनवाइट द आइकॉनिक, the legendary Nabila and truly talented Hamid Latif. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड कमिंग ऑन दिस शो। नबीला, वी हैव बीन कोऑर्डिनेटिंग फॉर क्वाइट सम टाइम और आज फाइनली इट हैपेंड। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। और हामिद, आपको वेलकम बैक। थैंक यू, आप पहले भी आ चुके हैं। थैंक यू शर्मीन, थैंक यू सो मच फॉर रिमेम्बरिंग मी। थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग दैट आई एग्जिस्ट। आसिम टेंड्स टू फॉरगेट, बट इट्स ओके। नबीला, आप पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम, एक पावर हाउस जो कि पाकिस्तान में जिसने मेकअप इंडस्ट्री को बिल्कुल चेंज कर दिया, रेवोल्यूशनाइज कर दिया, ऑफ कोर्स, हां, सो हाउ डिड दैट कम अबाउट? क्योंकि जब आपने काम स्टार्ट किया तो उस वक्त मेकअप ट्रेंड्स वर वेरी डिफरेंट टू व्हाट यू ब्रॉट इन, तो वो क्या, उसके पीछे क्या थी माइंडसेट, क्या था, क्या थिंकिंग थी? So I would say that I'm not just limited to makeup, it would be more about image. Meri jo career ka aghaz jo hua hair se hua, so I am synonymous with hair first and then makeup, but overall image. तो शुरुआत इस तरह से हुई कि आई वाज़ वेरी इमेज कॉन्शियस एज अ चाइल्ड। अगर मैं सोचती हूँ कि ग्रोइंग अप आई वाज़ रियली रियली पर्टिकुलर कि क्या पहना है और कपड़े कैसे हैं और बाल कैसे हैं और मेकअप कैसे, और मैं च्युइंगम से नाखून बना रही होती थी, कभी आयोडेक्स लगा के मुँह पे भूत बन रही होती थी। आई थिंक अभी अगर मैं सोचती हूँ तो वो क्रिएटिविटी थी कि हाउ आई कुड यूज़, मैं आटे की चिपकलियाँ बनाती थी डराने के लिए लोगों, सो हाथ से आई वॉज़ वेरी गुड डेक्सटर थी, सो यू नो, एंड आई ऑलवेज हैड इशूज विद माई हेयर एंड आई यूज टू स्टार्ट कटिंग माई ओन हेयर एज अ चाइल्ड, एंड आई थिंक द फर्स्ट हेयर कट आई डिड वॉज वेन आई वॉज 11। तो मैंने अपनी भाई का, फादर का हेयर कट किया। हम दुबई में होते थे उस वक्त, बहुत हेयर कट्स महंगे होते थे, तो फिर अम्मी की दोस्तों ने भी कहा कि ट्रिम कर दो। इस तरह के मैंने 11 साल में हेयर कट शुरू किए, बट मेरी जो फॉर्मल ट्रेनिंग थी वाज मच लेटर इन लाइफ व्हेन आई रियलाइज कि दिस इज समथिंग आई रियली इन्जॉयड। सो आई, आफ्टर आई गॉट मैरिड एंड हैड बोथ माई किड्स एट अ वेरी वेरी यंग एज, आई वॉज अ टीनेज मॉम, सो आई सोल्ड माई वेडिंग डायमंड्स एंड वेंट टू ससून लंडन, एंड दैट्स वेयर आई ट्रेन टू डू हेयर, and that's the first business that I started was as a hair stylist doing haircuts in my 8x8 maid's room with one mirror and one chair. Oh, wow. So aghaz aise hua. Bahut hi mazey ki story. Acha Hamid, main to aapki sari journey ko janta hu, magar aap please hamare viewers ke sath ye share kare ki aap Pakistan ka naam roshan kiya in America, jis post par aap pahunche उसके बाद आपको बहुत लोगों ने ऑफर की कि पाकिस्तान आए हमारे साथ सलोन में काम करें, मगर यू सेड नो। तो ये जो मर्जर मैं आज देख रहा हूँ नबीला का और आपका, तो हाउ डिड नबीला कन्विंस यू टू कम बैक टू पाकिस्तान? सबसे पहले तो ये इनकी ऐसी पर्सनैलिटी और इंस्पिरेशन ही ऐसी है कि यू नो आई मेट हर ड्यूरिंग कोविड,
एंड वी वर नॉट वेरी क्लोज फ्रेंड्स बट वी न्यू ईच अदर लॉन्ग टाइम अगो. हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे, आपको अगर याद हो तो ये आई थी काफ़ी साल पहले और इन्होंने कहा कि भाई मैंने कोई ट्यूनी के या कोई लगेज खरीदने. तो देन आई रिमेंबर दैट आई टुक हर अलॉन्ग विद दैट कॉमन फ्रेंड टू द आउटलेट्स एंड मॉल एंड देन वी हैड लंच एंड दैट्स इट. एंड देन ओकेजनली शी वुड जस्ट टेक्स्ट मी हैप्पी बर्थडे हामिद. और फिर ये इतनी बड़ी आइकॉन है लेकिन ये मुझे लिखती थी कि हैं तो बहुत डाउन टू अर्थ. तो ये मुझे याद करवाती थी जस्ट इन केस. ये इनकी क्वालिटी है, ये मुझे याद करवाती थी कि आई रिमेम्बर. इनको कौन नहीं जानता लेकिन ये मुझे लिखती थी आई एम सो एंड सो फ्रेंड इफ यू रिमेम्बर यू रिमेम्बर. तो उसके बाद ये हमारा बस आपस में था. फिर ये हुआ कि ऑल ऑफ अ सडन ड्यूरिंग कोविड you know I was already tired of that rat race Asim knows and you know it, been there done that itni mehnat ki phir uske baad change is very crucial I guess ye bhi agree karengi to ye maine koi jo bhi spiritual power Allah se maine dua mangi ki show me some light I'm tired and he knows and then wo light ye thi ki agle din mujhe ek Instagram pe message aata hai covid mein और वो कहने लगी हाय हामिद आई एम कमिंग टू न्यूयॉर्क आई वांट यू टू डू माय हेयर. तो मैंने कहा वाओ. फिर मुझे अभी भी याद है कि अभी वर इन अ स्टूडियो एंड इन्होंने मैंने कहा है आप. कहती मैं वॉक कर रही हूँ फिफ्थ एवेन्यू. मैंने देखा आ रही हैं मैडम वहाँ से. देन वी डिड सम वेरी फन स्मोकी कलर ऑन हर. शी वॉज देयर इन चेल्सी फॉर आई थिंक a little over 24 hours okay and in those 24 hours I don't know what happened she I was sold oh wow she was my light okay so you know some things are just meant to be aur ye wo kudrat jo hoti hai wo aapko milati hai is tarah se to us time par covid mein koi allow hi nahi kar raha tha travel karna except for new york or you know how particular I am about my hair aur mujhe hair color karana tha. I wanted to go pink and he did a beautiful job. We were together at the salon aur us time pe aapke dil mein bhi ye ho raha tha ki kuch change ho and he kept asking about Pakistan about salons about the industry. So hum itne jaldi bond ho gaye and we met for lunch, we met for dinner and we met again the next day. So bahut jaldi we became very close and I think wo bas kuch cheeze jo destined honi hoti hai wo ho gayi. बस वो हो गई. और फिर आपके सवाल का जवाब ये कि मुझे सच ए पावरफुल वुमेन लेकिन आई स्ट्रांगली बिलीव व्हाट शी सेड. मुझे नहीं पता उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कॉस्मिक कुछ कुछ ना कुछ. इट वाज मेंट टू बी, शी वाज माय लाइट. और मुझे याद है कि ये हर फ्रेंड हैज़ अ ब्यूटीफुल अपार्टमेंट एंड आई वाज लाइक वाओ यू आर देयर. और कहती हैं आप बैठे आप चाय पियेंगे. मैंने कहा श्योर. तो उन्होंने अपने हाथ से मुझे चाय, पता नहीं चाय में क्या था. उसके बाद बस द नेक्स्ट थिंग वाज आई वाज हियर. हाँ लेकिन इन्होंने मुझसे कहा कि लेट्स नॉट जंप द गन, लेट्स नॉट गेट मैरिड और एंगेज, लेट्स डेट फर्स्ट और आप आए और ट्रेनिंग करें. And I was all for it. About training हुई, उसके बाद क्या हुआ, बस the next thing I was in Pakistan. नहीं बहुत अच्छा. अच्छा नबीना आपके आपने क्या potential देखा when you went to when you met Hamid कि आप you know you have an empire here in Pakistan. तो एक चीज़ को एक talent spot करते हैं जैसे, तो वो क्या चीज़ आपको attract की कि नहीं if you bring Hamid तो आपके salon और आपकी industry में ये एक asset बनेगा. That's a very tough question. Yeah, being a hair guru yourself, it's not a tough question at all. It's a very easy for me. It's like black and white. It's so easy. So when he asked me that, you know, I'm thinking of coming to Pakistan. Yeah. What do you think? Yeah. So I told him that you will have a big culture shock. So try not to come. that's the first thing I said. And I said, if you ever decide to come, the only person you can work with is me because I'm the best. Yes. Okay. I'm sorry, but so black and white. I remember that. That's a fact. That is a fact. So exactly. So I said, and why? वो जो कहते हैं ना सितारे कहाँ मिलते हैं? वो इस तरह से कि he worked in Sassoon. I trained in Sassoon. So हमारी जो ethos है work की, fashion sense की, chemistry की, consultation की, जो standards हैं, industry standards, vision and craft. You know, like this is the school of thought that we come from. तो मुझे जो vision alignment है
उसके लिए ये नहीं था कि किसी और बाहर वाले से बात करें, हम एक ही जबान बोल रहे थे. सो इट वॉज वेरी इजी फॉर मी. एंड यू सेड बींग अ हेयर गुरु माई सेल्फ, हाउ वाई वुड आई हैव अनदर हेयर गुरु, इज बिकॉज आई एम नॉट अ हेयर गुरु एनी मोर. आई हैव प्रोग्रेस्ड फ्रॉम बींग एन ऑन द फ्लोर स्टाइलिस्ट टू बींग द ब्रेन्स बिहाइंड द इंडस्ट्री, बिकॉज आई एम वर्किंग वेरी अग्रेसिवली ऑन माई ओन प्रोडक्ट लाइन. बिकॉज मेरा जो 38 साल का एक्सपीरियंस है, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दैट इन टू प्रोडक्ट्स दैट एनी पर्सन कैन बाई फ्रॉम द सुपर मार्केट, यूज इट एट होम एंड टेक माई एक्सपीरियंस टू देयर हाउस. यस, सो दैट्स माई फ्यूचर. बट फॉर दैट आई हैव द बेस, आई हैव द प्लेटफॉर्म एंड आई नीड to be replaced by a person who has similar vision, similar standards and the techniques and the standards and quality to take my vision forward. Wow. So it was like a ye jo in ye light dhoond rahe the wo light wo aapki surat mein inko mil gayi. Ha, and vice versa. So okay. I think that's why it's a good team that how we made. Amazing is that. Iske sath hi we'll take our first break in conversation with two superstars of Pakistan. We'll take a short break, or break ke baad wapas aa rahe to maine Nabila se kaha ke oh yeah I bought a house, a new house and I have a pool. To wahi ruk gayi, kehne lagi nahi nahi agar to swimming pool yahan hai Pakistan jaane ka socho hi nahi. Main jab travel karti hu, a lot of times I only travel to see different color of skin, texture of hair, texture, color of hair, you know, like wo jo ek flavors hote hain, agar aap samjhein ke Pakistan is vanilla, there is no other flavor here. Yes. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और ब्रेक से पहले एक गुफ्तगू चल रही थी, नबीला और हामिद हमारे साथ हैं. अच्छा हामिद, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप जब पाकिस्तान आए, वॉज देयर अ कल्चरल शॉक? बिकॉज मैंने आपका लाइफस्टाइल वहाँ पर देखा है न्यूयॉर्क में, यू नो यू हैव अ बिग हाउस, आपके डॉग्स हैं, आपकी फैमिली है, ट्रेन से रोज़ाना जाना, फिर ससून का मैंने देखा है वहाँ पर, उसके बाद कमिंग टू पाकिस्तान, तो कुछ आपको चेंज लगा, कुछ कल्चरल शॉक था आपके लिए? एंड टू ऐड टू दैट क्वेश्चन, यू नो बिकॉज यू लिव्ड इन अमेरिका, यू बीन वर्किंग देयर फॉर सो लॉन्ग, उसके बाद पाकिस्तान आके आपको अपने क्लाइंट्स में क्या, किस तरह का फ़र्क लगा माइंडसेट में, जिस तरह की उनकी डिमांड्स होती हैं उसमें क्या फ़र्क है? अच्छा, दैट्स अ वेरी गुड एस्पेक्ट ऑल्सो. सो टू प्रॉन्ग्स ऑफ द क्वेश्चन. पहले तो ये था कि मुझे आइकॉनिक नबीला ने सुन के कहा हूँ, ये सोचते अब तो आई नो हर वेरी वेल, तो अब तो मैं इनकी तरफ देखूँ, ये मेरी तरफ देखूँ, हम समझ जाते हैं क्या हो रहा है. तो मैंने इनको कहा कि हाँ आई बॉट द हाउस. अब द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द मेन जो सिमिलैरिटी थी ना, कि स्ट्रगल था, स्ट्रगल था यहाँ पे भी, यू नो. एंड आई एम लाइक सो इंस्पायर्ड बाय हर व्हेन आई हैव टू टेल माय गोरा क्लाइंट्स और समथिंग अबाउट हर, व्हेन आई टेल हर दैट इन दैट मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हियर, यस, 30 इयर्स अगो, आई मीन यू नो शी टुक दैट इनिशिएटिव, एज शी टोल्ड शी हैज टू सेल हर ज्वेलरी एंड गो टू यू नो. एंड शी टोल्ड मी एंड शी सेड हामिद आई वाज नॉट स्टेइंग इन प्लाजा होटल इन लंदन व्हेन आई वेंट टू ससून. शी सेड आई वाज सो पैशनेट कि मैं जाती थी और मैं अपना एक लंच खाती थी और रात को आती थी. दैट्स व्हाट यू नो इज लाइक आई एम लाइक ओ माय गॉड. सो दैट्स द मेन सिमिलैरिटी. एंड आसिम नोज आई स्ट्रगल एंड नबीला नोज आई स्ट्रगल्ड अ लॉट आल्सो, यू नो. एंड उस स्ट्रगल के बाद जो हमने अचीव किया, मैडम तो खैर, तो मैंने नबीला से कहा कि ओ या आई बॉट अ हाउस, अ न्यू हाउस एंड आई हैव अ पूल. तो वहीं रुक गई, कहने लगी नहीं नहीं अगर तो स्विमिंग पूल यहाँ है, पाकिस्तान जाने का सोचो नहीं. और नाउ शी हैज कंस्ट्रक्टेड अ ब्यूटीफुल पूल इन हर हाउस. या सो अच्छा, अब दूसरा ये था कि जो शॉक, कल्चर शॉक तो नहीं, बिकॉज यू गाइज नो आई यूज टू कम हियर ऑन वेकेशन 2-3 times अ ईयर. लेकिन कमिंग ऑन वेकेशन and living here, yes, is two totally very different things. Different. Plus, I not only changed the continent, I changed my home city from Karachi, Islamabad to Karachi. No offense, Karachi is a great city, city of lights, but
इट वॉजेंट फॉर मी. हाँ, इन्होंने मुझे बहुत खूबसूरत जगह पे 17th फ्लोर पे ब्यूटीफुल अपार्टमेंट बीच, मुझे कहती थी यहाँ सनसेट है ये वो. क्लाइंट्स का ये है, यस देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, यू वुड एग्री इफ यू वांट टू ऐड समथिंग द क्लाइंट. और इन्होंने मुझे पहले कह दिया कि देखो क्लाइंट पेस डिफरेंट है, ब्रूनेट्स है. मेरे लिए ये था कि इट वॉज अ वेरी फन पैलेट फॉर मी ना, ब्लॉन्ड्स, रेड हेड्स, बट यहाँ तो आप लाल की बात करें. मैडम ने मुझे कहा नो नो, लाल का लफ्ज तो आपने यूज नहीं करना, खवातीन भाग जाएगी. ऑल्दो रेड इज अ ब्यूटीफुल कलर. सो टू समराइज इट, यस देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, बट आई हैव गॉटन यूज्ड टू इट नाउ. और थैंक्स टू हर, इन्होंने मुझे बहुत मेंटर किया. पहले तो मैंने कहा मत आओ ना, बिकॉज आई टोल्ड हिम आई कैन गिव यू अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, आई कैन गिव यू गुड वर्क, गुड क्लाइंट्स, बट आई कैन नॉट मेक पाकिस्तान न्यूयॉर्क. यू नो वो जो कल्चर चीज है, तो इफ यू आर नॉट रेडी. बट आई थिंक ही वॉज वेरी रेडी टू कम बैक होम एंड यू नो जस्ट चेंज समथिंग अबाउट हिज लाइफ. सो इट वॉज अ गुड टाइम दैट वी मेट. And of course, the clientele is completely different. I mean, honestly, if you ask me from hair perspective, it's very boring. मैं जब travel करती हूँ, a lot of times I only travel to see different color of skin, texture of hair, texture, color of hair. You know, like वो जो एक flavors होते हैं, अगर आप समझें कि पाकिस्तान is vanilla. There is no other flavor here. We're not willing to take any risk when it comes to our hair. So vanilla se bore jab ho jati hu to fir main wasabi aur cheezon ke taraf jati hu. Jab colors ki baat ho rahi hai to Hamid, aapka ek jo recent kaam hai uski ek showreel hai, wo hum apne viewers ke sath aur aapke sath share karte hain. Let's see. Hello all, this is Hamid Latif, the international color director at Nabila. ब्यूटी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्टार है. हामिद लतीफ इज ऑलमोस्ट एन आइकॉन. हामिद, इट वाज ग्रेट दैट यू डिड वंडर्स टू माय हेयर. अमेजिंग, हाउ फैबुलस इज इट. लवली. अच्छा, तो ये इसमें हम देख रहे हैं, आपने जो न्यूयॉर्क के भी आपके क्लाइंट्स हैं, उसके बाद जो नबीलास के भी आप कर रहे हैं, तो ये काफी वैरायटी है आपकी इस स्टोरी में. जी बिल्कुल. उसकी वजह से मैंने पहले कहा कि मेरी एवोल्यूशन इन्होंने की स्टेप बाय स्टेप. इन्होंने मुझे बताया कि नहीं, यहाँ आपका बहुत अच्छा वो है फॉर्मूला, यहाँ जो है ना इसको इस तरह करें तो ये चलेगा. बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो यू हैव टू इवैल्यूएट द मार्केट. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हर. शी सेड नाउ आई थिंक यू नो आई एग्जैक्टली नो व्हाट द पाकिस्तानी खवातीन वांट, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स. आई एम इंक्लूडिंग योरसेल्फ. आप बड़ा बोल रही थी हाँ वो नहीं करवाती. इफ यू पुट योरसेल्फ इन योर क्लाइंट लिस्ट, आप भी तो बड़ी लिमिटेड हैं. आई एम, बट आई थिंक टू सम एक्सटेंट आई हैव टू बी लिमिटेड बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ माय जॉब. As an actress on television, I'd be very limited to the kind of roles I can play if I have red hair or if I have and pink. And that's what all of my clients will say, yes. Whichever profession yes. they come from. They use the excuse of being the same because they don't want to change, because husband doesn't like, mother doesn't like, job doesn't allow, continuity hai drama ki, ya modeling hai to kaam nahi milega. Lekin ek hame ek fear hai of change, which should be broken a little, but I think har ek apne ek step le in the right direction, in the direction of the change. I'm not saying that everyone should have red hair, not at all. But I think isi ko balance karne ka, I think jo meri strength hai aur meri jidhar age samjhe, wisdom samjhe, experience of this soil samjhe, usme mujhe pata hai ki what is our psyche, what is our sensibility of our fashion sensibility, our hair and makeup sensibility, our styling sensibility. And that's the reason when, you know, even when, you know, the very, very famous French product was launched, they would send me to Paris to train with them, but then come back and interpret the new latest trends into our sensibility, because what can happen in the streets of Paris will not be accepted in Pakistan. So unse inspiration lekar hame usko kitna trickle down tak karke logon ko palatable bana ke wo trend idhar set karna to bring about the slight change that you will like and that will not destroy your career or destroy your image or you know wo subtle tarike se wo usko enhance kare. And I think that's exactly what happened with me and Hamid, is that he had this brilliant New York, you know, sensibility of fashion from Sassoon, which is very, very edgy. That requires a lot of
techniques, a lot of science, a lot of experience, which he excels in. So he also had to water down the medicine avenue to the Pakistani sensibility and then just subtly and gently push that bar. Isn't that what happened? Absolutely. Lovely. Absolutely. And thanks to Nabila, because abhi humne kal hi do din mehnat karke ki to thakti nahi na, jab 8 baje shuru hoti hai, humne badi achhi hair collection aa rahi hai nahi, usme bhi ye mujhe guide, inhone mujhe itna mentor kar diya ki yahan pe kaun sa masala chalta hai na, you know. So humne bahut khoobsurat abhi collection ki hai, and then इनसे मुझे इंस्पिरेशन, देखिए काम ये होता है कि अगर हम हर रोज़ क्लाइंट्स आफ्टर क्लाइंट्स आफ्टर क्लाइंट्स करते रहे तो कोई इंस्पिरेशन नहीं है. पाकिस्तान में मेरे लिए इतनी इंस्पिरेशन नहीं थी ना, बिकॉज यू नो, बट मेरी इंस्पिरेशन ये है. तो जब ये सैलॉन में होती हैं और हम दोनों मिलके जब दो, अब कल शूट हो रहा था रूफ टॉप पर, हम कलर्स की बातें कर रहे थे, इन्होंने बहुत खूबसूरत अभी एक खुद भी इस पर बात करेंगी, लिपस्टिक ड्यू और ग्लॉस, वेरी मोलॉन रूज, वेरी रेड, ब्यूटिफुल रेड, बल्कि चार लिपस्टिक्स लॉन्च की, उस पर हमने इतनी बात की. सो यू नो, दिस इज़ माई इंस्पिरेशन. एंड अब मुझे यकीन होता है कि जब ये मुझे कहती थी ना, कि मैंने समझा कि बड़ा ईगो है इनका उधर, मगर मुझे कहती थी कि देखो हामिद, इफ यू वॉन्ट टू मूव टू पाकिस्तान एंड वर्क विद समबडी, दैट्स ओनली मी. आई एग्री, यस, इट्स ओनली हर. चले लवली. अच्छा नबीला, आपका कुछ रीसेंट वर्क जो आपके अभी लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में एक पैकेज है, वो हम आपके साथ और व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं. टू द वर्ल्ड शी वाज अ मूवर एंड शेकर, अ ट्रेंड सेटर एंड इमेज मेकर, अ लीग ऑफ हर ओन. हाउएवर, बिहाइंड द पावर हाउस नबीला lied a less than perfect mother, sister, wife, daughter, and entrepreneur. Nabila never saw herself as perfect, a rebellious daughter, a teenage mother, an inner monk, torn between the material world and her spiritual calling. And through it all, Nabila always embraced her imperfections and never doubted her own abilities. Nabila Project Zero Makeup is fast becoming a household name worldwide. Her message remains the same. Flaws are fascinating. So embrace yours. भाई फैबुलस, मतलब इट्स सो हैपनिंग और इसमें इतने इनोवेटिव आइडियाज हैं, ये किस तरह आते हैं, इसके बारे में प्लीज बताएं आप. हेयर के हवाले से तो यू नो वी वर्क वेरी क्लोजली के कौन से डायरेक्शन में कट्स जा रहे हैं. लाइक आई सेड के आई थिंक माय विनिंग formula is that I have up to the minute knowledge of what's happening in the West, the trends, the techniques, the textures, the products, the science. Beautiful. And the fashion. And then knowing what, how we can adapt it to the local flavors. So the hair shape is what we decided ke is direction mein ab baal ja rahe hain, after being very square and very blunt and very boxy, it's all loosening up, and especially with the humidity in Karachi with the summers, it'll all change. So Hamid beautifully designed some hair colors to go with those textures and those shapes. So I think we did a great job together, and that is teamwork. Of course, it shows in the video also. Iske saath we'll take our next break. Break ke baad wapas aa rahe hain. We'll take a short break. मैं कहती हूँ फैशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया है. बिल्कुल. It's available to everyone for watching and taking inspirations from. So आप समझें कि पहले जो एक अखबार करती थी चीज बहुत पुरानी, एंड देन फिर एक टेलीविजन करती थी, अब उससे ज़्यादा काम सोशल मीडिया कर रहे हैं. बिल्कुल. जब आप कोई कलेक्शन की बात करी थी, ये भी हमने बड़ी अच्छी कलेक्शन की, फिर कोई चीज़ भी आप करते हैं तो आप उसका एक इंस्पिरेशन उससे लेते हैं. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, एंड वी आर विद डिवाज नबीला एंड हामिद.
अच्छा जी, ब्रेक से पहले जैसे कि हमने आपका पैकेज देखा, नबीला आप क्या समझती हैं कि जो सोशल मीडिया, हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट आजकल के वर्क वाइज, हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट? बहुत ज़रूरी है और इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट मीडियम जिसने मैं कहती हूँ फैशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया है. बिल्कुल. इट्स अवेलेबल टू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड टेकिंग इंस्पिरेशंस फ्रॉम. सो आप समझें कि पहले जो एक अखबार करती थी चीज़ बहुत पुरानी एंड देन फिर एक टेलीविजन करती थी, अब उससे ज़्यादा काम सोशल मीडिया कर रहे हैं. बिल्कुल. आप कितने एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे? आई एम एक्टिव बट यू नो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई मीन ये भी सेम ही है मेरी तरह कि इनकी तो टीम है ना सबकी, बट ये कोई ऐसी नहीं है कि दिन रात उस पर बैठी हूँ. हाँ, कमिंग बैक, ये रात को आप कह रही थी ना, ये पूरी रात बैठ के यही वेस्ट का इधर पूरी दुनिया का रिसर्च कर रही होती हैं. और कभी ये जब सैलॉन में आ जाएं और मेरी इनकी मीटिंग हो तो पूरी एक लिस्ट होती है इमेजेस की. oh, और फिर ये एक एक उस पर डिस्कस करती हैं कि अगर हम ऐसा करें इसको करें. सी द थिंग इज, जब आप कोई कलेक्शन की बात कर रही थी, ये भी हमने बड़ी अच्छी कलेक्शन की, फिर कोई चीज़ भी आप करते हैं तो आप उसका एक इंस्पिरेशन उससे लेते हैं. आप ज़रूरी नहीं कि आप जो फ्रेंच में, जो फ्रांस में या फिफ्थ एवेन्यू मैनहट्टन में है या जो मॉडल्स चले, आप सारी कैटवॉक्स देख लें कि जो कपड़े वो पहनती है वो आम तो नहीं, लेकिन उसका एक इंस्पायर. तो फिर मैं और ये उसका निचोड़ निकाल के कलर वाइज, हेयर वाइज, एंड यू नो कट एंड कलर गो लाइक साइड बाय साइड लाइक सिस्टर एंड ब्रदर, ईच वन कॉम्प्लीमेंट्स इट. तो ये मुझे मजा जो इनके साथ आता है ना, कि देन आई डोंट मिस सेस. लेकिन सोशल मीडिया का यही है कि आई एम नॉट super duper active. I should be more because I'm old school. Okay ji. Acha, in this segment what we've done is we've gone on your social media, Instagram, uski kuch pictures humne select ki hain, to aap uske bare mein phir hame bataiye ki ye kahan ki pictures hain. इसके बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है. पिक्चर सेज इट ऑल. आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल, इट वाज कराची. आई थिंक आई वाज एट नबीलास एंड आई थिंक इट वाज सम काइंड ऑफ सनडाउन और समथिंग. हां, सनडाउन. हां, ये फवाद खान थे, ये ससून सलोन में. ये न्यूयॉर्क की पिक्चर है. जी हां. व्हाट अ वंडरफुल पर्सनालिटी ही इज. व्हाट अ वंडरफुल. एंड आई हैव टू नो, डिड ही एक्चुअली कम लुकिंग फॉर यू और वाज इट कोइंसिडेंटल दैट यू हैपेंड टू बी देयर? नो नो, ही एक्चुअली मेड एन अपॉइंटमेंट हिज मैनेजर और समथिंग. आई डिड हिज हेयर, हिज वाइफ्स हेयर, एंड देयर वाज अ लिटिल बेबी आल्सो एंड अमेजिंग. वाओ. ये हम लोग आई थिंक वी वर एट अ सेट. We were doing a TV show and of course, you know, I just took a selfie. And I love Nabila's glasses. Oh, I love them. ये अब एट नबीलास ऑफ कोर्स, यू नो, व्हेन वी वर्क इन एवरीथिंग. माय 60th बर्थडे. ओह वाओ सर, यू लुक ग्रेट. आई वाज एट होम, ताबिश जस्ट ड्रॉप्ड इन टू से हाय. आई डोंट सेलिब्रेट बर्थडेज, सो आई वाज जस्ट एट होम एंड ही केम टू से हाय. ओह वाओ. दिस इज अ शूट दैट रिजवानुल हक डिड ऑफ माइन ड्यूरिंग कोविड, जस्ट बिफोर कोविड. ओके. आई हैड शॉर्ट हेयर. हैप्पी बर्थडे टू बीबा. Happy birthday to you. Happy birthday to Biba. Happy birthday to you. I love you. Whoa. Oh, wow. This is me with my granddaughter. Oh. Pop, 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 and I'm ready to... This holy with all my staff. Amazing video. Very nice. अच्छा, आई वुड लाइक टू स्पीक टू हमारी ऑडियंस के लिए भी कि जो हमने कलेक्शन कल की है, एंड द कलेक्शन इसी तरह है कि इट्स अ सैलॉन फ्रेंडली कलेक्शन. वुड यू लाइक टू टेल देम अबाउट अ बिट अबाउट शेप्स एंड कलर्स? तो द कलेक्शन इज वेरी सैलॉन फ्रेंडली. आई मीन वी ऑल्सो हैव अ वेरी एजी शॉर्ट हेयर कट एज यू कैन सी विद अ वेरी बोल्ड कलर, बट द कलर इज हिडन सो यू कैन वेयर इट वेन यू वॉन्ट टू शो इट एंड कन्वर्ट इट वेन यू डोंट वॉन्ट टू शो इट. ऑल्सो यू नो वी हैव अ मिड लेंथ एंड अ वेरी सॉफ्ट कलर एंड देन वी हैव सम longer hair. हर एक औरत की यह ख्वाहिश होती है कि जी हमारी लेंथ ना कटे मगर चेंज हो जाए, तो वो उस तरह का एक कट है जिसका कलर भी उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. आपने बाबरा शरीफ का इमेज टोटल चेंज किया बैक इन द 80s अर्ली 90s. उसके बाद यू हैव वर्क विद ऑल द लीडिंग लेडीज, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस इन द मूवी बिजनेस, इन द फैशन इंडस्ट्री, सबके साथ है. और इनके साथ कितना डिफिकल्ट था जो आपके जहन में उनका इमेज था उसके अंदर कन्वर्ट करना इनको? हाँ जी. तो मेरी जो फर्स्ट इंटरेक्शन था बाबरा शरीफ के साथ, वसीम खान ने अपॉइंटमेंट लिया था उनका,
and she had come for a shoot. So she was very excited to see me because I was always very androgynous. I always had short hair and she was very intrigued by me. And shoot to us din humne cancel kar diya, but we became very good friends. And she said ke I want short hair. So pehli jo humne cheez ki wo maine unko wig pehna kar aur short hair cut kiya, so that because I was so scared and I was so starstruck ke main kisi star ke baal chote kar do. But unki mashallah itni khoobsurat shakal hai aur itni western type ki unki shakal hai ke she can carry a lot of things. And when we cut the bob and we shot it for a magazine cover, it looked so amazing that the whole town was talking about it. Of course, I still remember ek bilkul different image tha. Usually Babra Sharif ke hum filmy posters dekhte the, ekdam ek glossy aur ek glamorous image with short hair. I remember the first short haircut was a wig, and then she loved it so much that we actually went ahead and we cut it short. And then after that her whole style and demeanor changed, and that's why I feel hair is so important, that it actually helps in expressing your personality. So that is the importance of hair, and I think with hair her demeanor changed, her style changed, her image changed, and it was very easy to work with her because she was ready for a change. Aur unhone apne inside out change ko apnaya to wo phir mera kaam jo hai bahut aasan ho jata hai. Acha, jaise ki aapne kaha she was ready for that change, but I remember when I understand you say that hair is your forte, but when Nabila ventured into makeup, you guys brought the minimalist look. Jab bahut over the top ek look thi trend mein, fashion mein. So how difficult was that for you to, you know, bring about? So thank you for asking this question, because a very good question. When hair is a statement, then makeup का सहारा आपको कम लेना पड़ता है. अगर आपकी स्किन अच्छी हो, आपका स्टाइल अच्छा हो, आपके बाल सॉर्टेड हैं, तो फिर मेकअप का सहारा कम से कम आप लें. एंड अभी भी जो ट्रेंड्स, जो यू नो मेकअप चेंजेस लाइक टेक्नोलॉजी, हर हफ्ते कुछ चीज़ चेंज हो रही होती है, टेक्सचर्स नए आ रहे होते हैं, ट्रेंड्स नए आ रहे होते हैं. लेकिन आई टेल एवरी वन वाई आई टॉक अबाउट मिनिमलिज्म is because less is more. When you want to look naturally beautiful, aapko bahut kam chahiye to look naturally beautiful. And then beautiful, dewy, natural looking skin never goes out of fashion. Aap 100 saal purana le, 80s ka le, 90s ka le, skin, koi kharab skin ya matte skin ya wo trends nahi aate. Skin needs to look beautiful. You can change the trends with lipsticks, with glitter, with liners, usse eyebrows se, un sab cheezon se jo trends bante hain, lekin beautiful looking skin never goes out of fashion. And therefore the zero look is about skin that looks natural. Chaliye isi baat pe, we'll take a last break, aur break ke baad wapas aa rahe hain. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक में भी हमारी बातें चल रही थी और फाइनली हमारी चाय भी आ गई है और अब हम रिलैक्स कर रहे हैं. तो हामिद, आप ये बताएं कि जो जेंट्स का मेकअप होता है, हमारे कितने आर्टिस्ट हैं जो ड्रामों में काम कर रहे होते हैं, जो सो मच लाइट, उनको मेकअप की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी कोई प्रोडक्ट है? अच्छा, इसका तो नबीला जवाब देंगी, बट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग कि नबीला ने तो ऐसा नेचुरल और ऐसी ऐसी चीज़ें, ब्लरिंग पेंस एंड ऑल दैट, शी इज गोना एलैबोरेट अ लिटिल बिट. और इनके तो सारे जो मेल स्टार्स हैं आपके, यू नो दे कम टू नबीला और ऐसा वो करती हैं. आई हैव मेट सो मेनी. वुड यू लाइक टू एलैबोरेट ऑन दैट? हाँ, एक के साथ ही एक और एडिशनल सवाल है कि ये जो स्टार्स हैं, इनमें से तंग कौन करते हैं? That's part B. और उसको हैंडल कैसे करती है? नहीं, स्टार्स को हैंडल करने का तो बहुत एक्सपीरियंस है. हाँ जी. एंड आई थिंक जो टेक्निक्स हमारी इतनी साउंड होती है कि वो हमें तंग नहीं करते, बिकॉज दे कम टू अस ओनली बिकॉज दे ट्रस्ट अस. ऑफ कोर्स. बट वी हैव टू ऑफ कोर्स हैंडल सेलिब्रिटीज विद अ लिटिल बिट ऑफ सिल्क ग्लव्स. आपने जो मेंस का जो आपने सवाल पूछा है कि एंड जेंट्स इज ऑल्सो वन ऑफ आवर बिजनेसेस, बिल्कुल.
बिकॉज वी कुड नॉट स्टॉप एट वेमेन, बिकॉज आदमियों की ग्रूमिंग की भी इतनी ज़रूरी ज़रूरत होती है आदमियों के ग्रूमिंग की, बिकॉज उनका भी दिल चाहता है कि वो अच्छे लगे, एंड दे आर ऑल्सो वेरी कॉन्शियस, बट वी हैव टू गिव दैम द राइट ट्रीटमेंट इन द राइट एनवायरमेंट, एंड दैट्स वाई एंड जेंट्स केम अबाउट. लंबे बाल करना बहुत आसान होता है, बट गेटिंग द शॉर्ट हेयर की साइंस एंड द प्रिसिजन कटिंग राइट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज शॉर्ट हेयर को ना आप टीज कर सकते हैं, ना आप कर्ल कर सकते हैं, ना आप पिन कर सकते हैं, ना पोनीटेल. वो स्विमिंग से भी निकले या स्कूटर पे भी जा रहे हैं तो बाल सही आने चाहिए. सो आई ट्रेन माई सेल्फ एज अ बार्बर सो दैट आई कुड लर्न द साइंस ऑफ हेयर. And that's when, you know, we train our barbers very religiously for trends and for techniques and for precision cutting. Thanks to Hamid, we are now working very aggressively on men's hair collections as well. Chahe wo salt and pepper looks ho, ya phir halke se streak karna hai, ya halka sa color cut karna hai, ya tone down karna hai, ya soft karna hai. So Hamid will tell you more about it. But along with hair, also with the social media and being selfie ready all the time, we need to have correctors and concealers, especially for men, that are very, very easy to use, and you can blend it with your fingers, and very invisible, ताकि वो makeup के तरह ना दिखाई दे, मतलब आपकी skin में बिल्कुल वो blend होकर invisible हो जाए. So something like that did not exist, especially for our skin tones. And I think Zero Makeup has been able to come up with products which are very gents friendly also for the subcontinent. Of course. You know, the stars here and there are also using and really, really appreciating the product. Please tell us something about men's hair color. Achha, very good. Ab ye hai ki pehle to main ye bata dun ki men's ke liye bahut skin ka care hai na, blurring pens and all that, zeros, amazing. Achha, ab maine ye dekha aur Nabila se discuss kiya and she totally agreed. आप भी एग्री करेंगे कि आजकल मेन का कितना पोटेंशियल है, वो कितने कॉन्शियस हैं, चाहे उनकी शादी हो रही है, जेंट्स में देखा बालों के लिए, तो हमने बहुत से सॉल्ट एंड पेपर, वेदर इट्स अ स्ट्रीक ऑफ सम प्लैटिनम सिल्वर इन योर हेयर, वी ट्राई टू टीच द बार्बर्स हाउ टू वर्क विद देयर ग्रेज, नॉट मेक इट लाइक अ शू शाइन कलर. मेन का एक बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे, वेदर इट्स सॉल्ट एंड पेपर, वेदर इट्स अ डीप शाइनी कलर, सेमी परमानेंट कलर्स. I want to send a message to men who are graying is that try to work with your gray hair. Thank you so much. Not Thank work you for against saying that. It. Not covering it all together. Yes, please. अच्छा नबीला और मैं बैठ के डिस्कस करते हैं, इन्होंने मुझे कहा अच्छा अब बियर्ड आप देख लें कि मैन जो हैं उनकी अगर बियर्ड ग्रे हो तो नबीला और मैंने इतना रिसर्च किया, इन्होंने अपना एक फार्मूला बताया, इसको इसको मिक्स करके 3 मिनट लगाते हैं, एंड व्हाट हैपेंड इज वेरी फनी, वी डिडंट हैव अ मॉडल, वी वर कंडक्टिंग अ वर्कशॉप इन एंजेंट, तो मैंने थोड़ी देर बाद देखा मॉडल आ गया, ग्रे बियर्ड थी वो आ गया, इट वॉज मैजिक दैट वी वर्क टुगेदर एंड वी अप्लाइड, एंड तो वो उसके बाद भी पॉपुलर हो गया. हमारे एक अकाउंटेंट हैं जॉब पे, वो आए, उन्होंने बियर्ड, तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डू रादर देन जस्ट पुटिंग दैट डार्क शू शाइन कलर. चलिए जिसके साथ ही वी हैव कम टू द एंड ऑफ द शो. म्यूजिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम, हमारे शो का एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, तो फिनाले के तौर पे आई विल इनवाइट अ वेरी टैलेंटेड सिंगर, वो एक बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग परफॉर्म करेंगे, मगर उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हामिद आपका, नबीला आपका, कि इतने अरसे से हम ये प्लान कर रहे थे, फाइनली इट हैपन टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो. एंड जाने से पहले जो थॉट्स बीइंग ऑन द शो, कैसा लगा आपको हामिद? थैंक यू आसिम, आई रियली लव्ड इट, आई बीन हियर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, शर्मीन इज स्टिल हियर, दैट्स वेरी एक्साइटिंग, एंड सेट बहुत खूबसूरत है. नबीला से आप पूछें इनको कैसा लगा ये सब कुछ. मैं पहली दफा आई हूँ, बट आई थिंक very well planned, very professional, punctual, yes, and very nicely designed, and very comfortable to talk. So beautiful, well done. Thank you so much, Sharmeen and Asim. Thank you so much for inviting. और इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी. अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीजन 4 ओनली ऑन पीटीवी होम. और आप फिनाले के तौर पे आई वुड लाइक टू इनवाइट द वेरी टैलेंटेड
दर्शन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर